मम्मी जी को कोरोना हुआ, मम्मी जी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने की वजह से मम्मी जी को घर में ही रखे हमने। मम्मी जी का ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया तो फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को हुआ, उनके लिए भी बेड ढूंढते रहे, हमको कहीं भी बेड नहीं मिला। सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर भी 2 घंटे ऑक्सीजन लगने के बाद डॉक्टर जी ने, वहाँ के डॉक्टर साहब ने ऑक्सीजन उतारा और बोला कि यहाँ से जाओ। और हमको कहीं भी बेड नहीं मिला, ना कचांदू में मिला ना सरकारी हॉस्पिटल में। फिर हमको रायपुर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते लगाते हम रायपुर गए। रायपुर में हमको बेड मिला और तब तक इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद जो है क्या कुछ स्थिति बनी है उनके चले जाने के बाद, घर परिवार में कैसा एक माहौल अभी बना हुआ? माहौल घर का एकदम खराब चल रहा है भाई। और क्या बोलते, घर में मेरे दोनों बच्चे भी छोटे हैं और कोई नहीं है मेरे आगे पीछे यहाँ पर, यानी ना कोई देवर है ना कोई जेठ है, कोई नहीं है। मम्मी जी थे, मम्मी जी भी गए। और क्या बोलते, जो घर है वो भी लोन में है और बैंक वाले बोले कि लोन आपको पे करना पड़ेगा, कितने लाख का लोन है ये? 16 लाख का। तो अभी किस तरह आप, बाकी जैसे बच्चे हैं, दो बच्चे हैं बता रहे हैं आप, उनकी पढ़ाई और इसके साथ साथ बैंक के लोन के लिए किस तरह की आपको मदद मिल रही है या क्या कुछ आप प्रशासन से आप मांग कर? मुझे कहीं से भी अभी कोई मदद नहीं मिल रही है। मुझे दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद चाहिए और घर, सिर्फ जो घर है मेरे लिए, जो छत है हमारी, वो हमारे लिए रह जाए, उसके लिए भी मदद चाहिए सरकार से।